हमको सिखाया। आज तक मेरे पापा से इस तरह किसी ने बात नहीं की। ऐसी बात करने वाली आप हैं कौन? हम कौनो आप नहीं है, हम तो बस इमली हैं। इमली? हाँ, माय नेम इज इमली, फ्रॉम पगडंडिया। वेरी नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू मिस इमली। लेकिन मैं आपको इमली नहीं, कूल डूड बुलाऊंगा। आप इसे जंगली भूत भी बुला सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्या गलत? सुंदर। अरे हाँ, और ये है बंदर। सुंदर सर, हमारा नाम सुंदर है। पर कौन बात नहीं, आप ही का कलांदर, समंदर, चुकंदर, चुचुंदर, जॉन बुलाए क्या बुलाइए, गलत नहीं हुई है। देखो सुंदर, एक काम करो, वो जो अंदर वाला बड़ा सोफा है ना, उसे यहीं पर लाकर लगा दो। हाँ क्यों? नहीं, सारी बातें हम यहीं खड़े होके कर ले, बैठ के कर ले ना। सेंस ऑफ ह्यूमर। चले अंदर। क्या हुआ? आ, नहीं, हम ठीक है। आप भीग कैसे गए? इमली, तू तो पूरी भीगी पड़ी है। एक काम कर, सबसे पहले जाके चेंज कर ले। हा? अरे पूरी तरह से तो नहीं भीगे, वो ये इमली ने केले का पत्ता रखा था हमारे सर पे। तो केले के पत्ते की नहीं, मैं रेनकोट की बात कर रही हूँ। मैंने याद तो दिलाया था, आप लेके नहीं गए। हम वो ले जाना भूल गए। क्या देते, मैंने याद तो दिलाया था आपको। अच्छा तो बारिश रुक रही तक कहीं वेट कर लेते जैसे हम करते हैं। वेट ही कर रहे थे, ये झल्ली हमें रुकने ही नहीं दे रही थी। वैसे भी मुन्ना हमें निशान से सबसे पहले मिलना था, वहां रुक जाते तो ये सब मिस करते थे ना। आइए। चॉकलेट कुकीज ठीक रहेगी ना? निशान सर अमेरिका से है ना, वहाँ पर लोग कॉफी पीते हैं। कैपेचिनो। कैपेचिनो? अरे मेरी समझदार, कैपेचिनो, चीनो नहीं। वो कहीं से भी आए हो, घर से आए हैं ना, तो ये सब रखो कोने में और बनाओ अदरक वाली चाय। हमें ऑर्डर देने की बजाय तुम्हें काम करो। जब से आई हो ना, सुर सुर कर रही हो, अपनी नाक पोंछ कराओ। तुम ये सब लोगों से दूर रहो, बता रहे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तुम हमें मत बताओ हम किससे दूर रहो, किसके पास, समझी? तुम दोनों फिर शुरू हो गए। निशांत इतना थका हारा है लंबे सफर से, इतनी भूख लगी होगी उसे, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। और तुम दोनों लड़े जा रहे हो। हम झगड़ा नहीं करते, झगड़ा करते ही भवंडर। हम तो बस ये कहते कि छोटे बाबू साहेब इतनी दूर से आए हैं तो ओके खातिर घर की अदरक वाली चाय बना लेनी चाहिए ना। मैम हम इसे यही समझा रहे थे कि अमेरिका में लोग चाय नहीं कॉफी पीते हैं, कैपेचिनो। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसे अब क्या पसंद होगा। बड़की काकी, आपको हम पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत। तो बस हमारी पसंद मानिए, इसमें डालिए दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक और बना दीजिए और पिला दीजिए। क्यों? अब हमारा मतलब है मैम, वहाँ पर ना सब कॉफी पीते हैं और कॉफी बेस्ट रहेगी। चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, चाय। ओ बस चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे दोनों बना लो ना, चाय और कॉफी। निशु को जो अच्छा लगे वो पी लेगा उसमें से। वैसे मुझे लगता है निशी भाई को कॉफी पसंद है और मुझे लगता है चाय। हमें भी यही लगता है कि चाय पीता होगा निशु। अच्छा ये बात है, टीम्स बढ़ गई। अच्छा इसी बात पे लगाओ शर, क्या कहते हो? लगा लो, लो। लगा लेते हैं चलो। लेकिन जो टीम हारेगी उसके टीम के सारे मेंबर्स को चाय और कॉफी में से वो पीना पड़ेगा जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? अब इमली, सुंदर, ट्रेज लाओ, जल्दी करो भाई। आदि, ये भाभी के लिए। यार ये मैंने माँ का गिफ्ट कहाँ रखा है? माँ का? नहीं नहीं, उसके इसमें होगा ना। अरे आदि, कि क्या कर रहा है? वो मेरा सामान है और अगर उसको तूने हाथ लगाया ना तो हमारा तो सामान बना दूंगा। यार बचपन से लेकर तेरे जाने तक तूने हर चीज हमारे साथ शेयर की है, पता नहीं अपने सामान को कभी हाथ क्यों नहीं लगाने दिया। सही कह रहा भाई,
कि हम दोनों हर एक चीज शेयर करते थे एक दूसरे से। लेकिन आदि तुझे याद है वो स्कूल टाइम में एक लड़का हुआ करता था, क्या नाम था उसका? अमनदीप सिंह। अरे हाँ 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 हाँ। मॉनिटर बनने के बाद कितनी ताड़ पे चढ़ता था वो, हाँ, और हम दोनों का नाम बोर्ड पे लिख देता था। क्रेजी। जब तू मॉनिटर बन गया तो तूने उसका नाम बोर्ड पे लिख दिया, क्योंकि सिर्फ तू जानता था कि लंच ब्रेक में वो हमें कितना परेशान करता है। भाई आज भी हमारे बारे में इतना कुछ सिर्फ तू ही जानता है यार, लेकिन तू सब कुछ नहीं जानता। तेरे जाने के बाद इस घर ने एक बेटे को मिस किया, एक भाई को मिस किया, लेकिन सबसे ज्यादा हमने अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस किया यार। इतने सालों में तूने एक फोन कॉल भी नहीं किया निशान, तुझे हो क्या गया था? तू कहाँ गया था? तुझे हमारी याद नहीं आई क्या? एक बात बता, दोस्तों के दूर होने से दोस्ती दूर होती है क्या? नहीं होती है। और अब आ गया हूं ना मैं, तो दिल में जो कुछ भी छुपा के रखा है ना सब बता दे मुझे। अरे मुझे भी तो पता चले कि मेरे भाई ने कितने सीक्रेट छुपा रखे। हाँ लेकिन अगर तू यहाँ पर होता तो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कभी होता ही नहीं। तू जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते। हमारी नहीं समझ में आ रहा है तुझे कैसे पता है। यही सवाल मैं खुद से कर रहा हूं मेरे भाई, मैं भी तुझे वो बताना चाहता हूं जो मैंने किसी को नहीं बताया, बट आई थिंक इस वक्त तुझे मेरी ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ है ऐसा? ऐसा क्या है जो तू सबसे छुपा रहा है? अब तू मुझसे छुपाएगा? बता क्या चल रहा है तेरे दिल में, बोलना। शादी से पहले हम पगडंडिया एक न्यूज की स्टोरी कवर करने गए थे। एक मिनट, पगडंडिया वो इमली का गांव? हुई हुई। तो यार वहां पर उन कावालों ने हमारी जबरदस्ती जीतेगी तो हम रीचा। क्या पिक्चर है? हाय हाय। जीतेगी तो हम रीचा। कॉफी की होगी हमरी हाय। जीतेगी तो करेगी लूज कॉफी चूज। चाय की टीम करेगी लूज, भाई करेगा कॉफी चूज। कॉफी चूज, कॉफी चूज। चाय 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 चाय। घर वाली अदरक वाली चाय है, देखिए खुशबू 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 खुशबू। रिलैक्स, क्या कर रहे हो आप लोग? चल निशु जल्दी से डिसाइड कर कॉफी या चाय, चल। अरे क्या सोच रहा है, वहाँ अमेरिका में थोड़ी ना ऐसी अदरक वाली चाय मिलती होगी तुझे, पीना चाय। निशु कॉफी कॉफी कॉफी। चाय की कॉफी क्या चाहिए? तू चाय पिएगा या कॉफी? अरे ये चाय हमने अपने हाथ से बनाई। अरे तो क्या कॉफी बाहर से आई है? चाय भी घर पे ही बनी है। ठीक है, अदरक वाली चाय की तो बात निराली होती है। लेकिन 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 कैपिचिनो का मजा भी एक अलग है। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक कप पानी। पानी है? बस पानी? एक्चुअली ना मैं कॉफी पीता हूँ ना चाय पीता हूँ, तो गला सूख रहा है, सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए मुझे। ले पकड़। क्या निशु, तुमने तो हमारे पूरे प्लान को ही फ्लॉप कर दिया। अब तो शायद का कोई मतलब ही नहीं। बढ़िया है फिर, तो अब मैं अपनी चाय पी सकता हूँ ना। और मैं कॉफी। चलो सबको कॉफी सर्व करते हैं, मेरा मतलब चाय। तो ना चाय पी ना। छोटे बाबू सर, पानी ठंडा लिया है सादा? एकदम सादा, कूल डूड। अबे ला बता। हाँ भाई सॉरी। हाँ वो तू कुछ बता रहा था कि पगडंडिया में तेरे साथ जबरदस्ती हुई। का बाबू साहेब को अब यही लागत है कि जबरदस्ती सिर्फ उनके साथ हुई रहे? अच्छा।
लगता है आपको भी बहुत तेज जुकाम हुआ है। नहीं ऐसे कोनो बात नहीं है, हम बस पानी लेकर आवत है। ठीक है जाइए। आदि बताना। अरे नहीं फिर कभी है, कोई बड़ी बात नहीं है, तू आराम कर ले। मुझसे झूठ बोलेगा? बात बड़ी भी है और सीरियस भी, आंखों को पढ़ लेता हूं मैं तेरी। चल कब तक छुपाएगा मुझसे बताना। सही वक्त आने तक, तब तक जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि हमारा राज किसी और का दिल नहीं दुखाएगा। कुछ बातें हम दिल में रखकर खुद को तकलीफ देते हैं, लेकिन अपनों को उस तकलीफ में देखने से बेहतर है कि उस तकलीफ का खुद सामना किया जाए। हमारी बातें कोई और समझे या ना समझे, हमें पता था तू जरूर समझ लेगा। समझ भी रहा हूं और देख भी रहा हूं, और जाने बिना मानूंगा नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना, हम बता देंगे, तो क्यों टेंशन ले रहा है? तू आ गया ना अब यहाँ पर, बस अब तो अपने पास टाइम ही टाइम है, फुर्सत में बात करेंगे। चल अब तू आराम कर, हम बाद में बात करते हैं। आदि वक्त की तो कमी है आदि, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आई होप कि मैं तुझे अपना राज बताने की हिम्मत जुटा पाता। हिम्मत ही नहीं जुटा पाया मां, जब मैंने उसे फोन किया, जब उसने मेरी आवाज सुनी, 18 साल बाद भी तुरंत मेरी आवाज पहचान गई। लेकिन ना उसने कुछ कहा और ना मैं कुछ कह पाया। मीठी से तू कुछ कह नहीं पाया ये मैं समझती हूँ, पर अनु, अनु तो तेरे सामने है ना, अगर आज उसकी बातें तेरे दिल को चुभ रही है ना, तो उसकी वजह सिर्फ वो दर्द है देव जो तूने उसे दिया है। अगर आज अनु तुझ पे चीखती है चिल्लाती है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि तू कभी उसकी सुनता ही नहीं। हाँ ठीक कह रही हो माँ। मैडम आपने कहा था अनु मैडम कुछ खा ले तो बता देना, उन्होंने कुछ छुआ तक नहीं, दरवाजे से बाहर भेज दिया। ठीक है केशव तुम जा, ऐसे तो बीमार पड़ जाएगी, ये सब एक दिन में ठीक नहीं होने वाला है। अगर तू अपनी गलती को सुधारना चाहता है ना देव, तो सबसे पहले अपने और अनु के रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर। हे सीता मैया, दवाई की दुकान? अरे क्या छोटे बाबू साहब, लोगन विदेश जाते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनने के खाते, आप तो कंपाउंडर बन गए। गांव के डिस्पेंसरी में होता ना कंपाउंडर? हाँ हाँ हम जानते हैं कंपाउंडर, लेकिन ये दवाएं बेचने के लिए नहीं है कोल्डू बाबू साहब, ये सब आपके वास्ते है? ऐसा नहीं है, एक्चुअली अमेरिका और यहाँ के जो मौसम है ना, उसमें बहुत फर्क होता है, तो वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं तुम्हारे तरह इंटेलिजेंट नहीं है। अब जो भी वहाँ से आता है इतनी ढेर सारी दवाई लेकर उसको भेज देते हैं, बताओ क्या फायदा इन दवाओं का। अच्छा तो छोटे बाबू साहेब, हम पढ़े रहे कि जब यहाँ दिन होते हैं तो वहाँ रात हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। इंटेलिजेंट हो तुम, काय नहीं हुई है, हम वजीफा प्राप्त लेके हैं। स्कॉलरशिप जानते हैं, हमें भी मिली थी, अभी तो गए थे हम पढ़ाई करने। सच्ची? हाँ क्या बात है, फिर तो आप हुए इंटेलिजेंस और हम हुए इंटेली वुमनिया। छोटे बाबू साहेब, जैसे अभी यहाँ दिन है और वहाँ रात, और आपको वहाँ की आदत है, तो आपको तो अभी नींद आ रही हुई ना? हाँ नींद तो आ रही है। तो एक काम कर रहे हैं, हम आपको दिन में बोलिए गुड नाइट और रात में बोलिए गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू अंकू। बाबू साहब अपनी दुकान खोल के हमका जुखाम की गोली दे दो ना। जुखाम? जुखाम की गोली तो इसमें होगी, मतलब है नहीं, इसमें नहीं है। का है?
अरे आप अपन साथ इतना बड़ा पिटारा लेके घूमते दवाई का, और इमा एक इतनी सी जुकाम की दवाई नहीं है? नहीं है कुल्लू, वो एक्चुअली अमेरिका में इमोशनल सिकनेस की हुई है ना, वो दे दीजिए। इमोशनल सिकनेस? अभी सो रहा होगा वो। अरे कुल्लू ये माँ को कुछ मत बताना, फालतू में चिंता करेगी और टेंशन लेगी और सवाल करेगी, है ना? निशु? हाँ माँ। तो यहाँ अकेले कमरे में घुस के क्या कर रहा है? सबके साथ चल के बैठना। हाँ। देखना पड़ना कितना दुबला हो गया है, हड्डियां भी निकल रही हैं। खाना नहीं खाता था अमेरिका में, डाइटिंग कर रहा था। तबीयत का भी ख्याल नहीं रखता होगा। क्यों निशु, आपको याद है भाभी जब यहाँ था तो दो दो बार आटा गूंदना पड़ता था? हाँ। पराठे पे हाथ नहीं रुकते थे लड़के के, और अब देखो गालों में घट्टे पड़ गए हैं। हाँ? कैसी सी सूरत बना ली है। क्या हो गया? अब आ गया हूँ ना मैं, तो आप दोनों मिल करके जी भर के खाना खिलाइएगा मुझे। चाची आपको याद है जब मैं छोटा सा था तो कैसे निवाला लेकर के मेरे पीछे पीछे भागती थी मेरी माँ, लेकिन अच्छा हुआ मैं आ गया। हा? क्योंकि मेरी माँ आजकल मोटी हो गई है और वही निवाला लेकर के मेरे पीछे भागना जिससे इसकी एक्सरसाइज हो जाए। देख पढ़ना अभी इस उम्र में मुझसे कसरत करवाएगा। आप जितनी भी शिकायत कर ले भाभी, सच तो ये कि इस निशु को ना हम सबने बहुत मिस किया। और मैंने आप सबको। बिल्कुल झूठ। अगर निशु ने सच में हमें मिस किया होता ना तो 2 साल में 2 बार 2 मिनट बात करके ऐसे फोन नहीं रखता। इसने सच में हम सबको बहुत सताया है। भाभी आ गया है ना वापस, अब छोड़िए ना इन सब बातों को। हाँ काकी माँ, आपका उस सब का बदला निकालत है। अभी थोड़ी देर पहले आप कहते हैं ना कि कितने दुबले हो गए हैं, और अब जब उके डिनर का टाइम है तो उसका खाली पेट दाने खिलावत है। डिनर नहीं बुद्धू, लंच दोपहर है ना अभी। आप लोगों की ना बुरी आदत हो गई हम पर हंसे की। छोटी काकी हम अभी कहते आदत बदल ले, कहे कि हम इमलिया है, इंटेली वुमनिया। इंटेली क्या काका? अरे छोटे बाबू साहब समझाओ ना एक। अरे चाची उसका कहने का मतलब है कि एक समझदार आदमी इंटेलिजेंट और समझदार औरत इंटेलिजेंट वुमनिया। इंटेली वुमनिया। इंटेली वुमनिया। हाँ। और हम बहुत ही ज्यादा समझदार है। हम जाना थे जब उके लंच का टाइम होता है तो आपके डिनर का टाइम होता है, जब आपके डिनर का टाइम होता है तो उके लंच का टाइम होता है, ठीक है? अच्छा 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 बाबा ठीक है, चले निशु खाना खाने। हाँ चाची मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। Such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.